A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, One Step Towards Uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसका नाम है 10 मोदी गवर्नमेंट अचीवमेंट. और ये सवाल आपसे डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा. GTO में और लेक्चर में पूछने के चांसेस कम है, बट ये बात श्योर है कि ये सवाल आपकी तीनों ही आर्म फोर्सेस में की SSB में पूछा जाएगा, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. चलिए शुरू करते हैं. इससे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन की फ्रेजिंग होगी कैसे. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि करंट गवर्नमेंट के 10 अचीवमेंट एंड इसके फेलियर बताइए. और इस सवाल के बारे में हमें पता लगा था प्रज्ञांशु से, जिनका मैंने इंटरव्यू बनाया है. आपको यहाँ पर आई बटन में आपको दिख जाएगा. इन्होंने हमें बताया कि लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे 3 प्रदेशों के, वो थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, एंड प्रज्ञांशु थे मध्य प्रदेश के. इसलिए उनसे मध्य प्रदेश के ऊपर सवाल पूछे गए और उसमें उनसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या क्या है, आपके यहाँ लोकल पार्टीज कौन कौन सी लड़ी और उनका एजेंडा क्या था. और इसी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, महागठबंधन अनहोली अलायंस, जिसमें मैंने इन सभी टॉपिक्स को भी कवर किया और 77 के इलेक्शन से कंपेयर किया कि आज का इलेक्शन कैसे सिमिलर है. तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें. और इसके चैन रिएक्शन में एक और वीडियो है, इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं SSB में आने के लिए. चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो अचीवमेंट हुआ है वो है 10% रिजर्वेशन का. वो मिला है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया. आज से पहले जितने रिजर्वेशन मिले हैं वो मिले हैं कास्ट बेसिस पर इस बार रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे. और खास बात ये बिल सिर्फ 2 दिन में पास हो गया और ये करीबन 40 करोड़ लोगों को बेनिफिट करेगा. इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है वो है GST. पहले अगर आप होटल में जाते थे और खाना खाते थे तो वहां पर एक जो बिल आता था उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगे होते थे, लाइक वैट और बाकी सब टैक्सेस. पर आज की तारीख में जो टैक्स लगते हैं वो है CGST एंड SGST, जिसकी वजह से ना खाली टैक्स पेयर को देने में आसानी होती है अब, और मोर क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी मिलती है. अब ये टैक्स में और एक अच्छी बात हुई है, पहले पेपर फाइलिंग होती थी, अब कंप्यूटराइज हो गया है, जिसकी वजह से टैक्स देना बहुत सिंपल हो गया है. GST ने एक कमाल का काम और किया है. पहले हमारा जो टैक्स आता था अराउंड 80,000 करोड़ आता था, पर अब ये बढ़ के 1,06,577 करोड़ हो गया है. इसके बाद अगला अचीवमेंट ये था कि ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया लोकसभा से. उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है उज्ज्वला योजना. जब हमारी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उन्होंने LPG कनेक्शन की बात की कि हर घर में LPG कनेक्शन होना चाहिए, जिससे 3 करोड़ फैमिली को बेनिफिट हुआ. ये 3 करोड़ फैमिली कौन कौन सी थी? ये 3 करोड़ फैमिली वो थी जो कि आज भी लकड़ी से खाना बनाती हैं, और जब लकड़ी को जलाते हैं तो जो उसका धुआं होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू सिगरेट स्मोकिंग करने से. अगला जो अचीवमेंट है वो है 1 rank 1 pension. रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए ये बात लाई गई. ये बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्म फोर्स ऑफिशियल को दिक्कत आ रही थी. जो कि 90 के दशक में रिटायर्ड हुआ हो और वो 2019 में आकर वो पेंशन आज ले रहा है तो उसके लिए वो कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि 90 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 2019 में बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया है. तो 1 rank 1 pension उनके लिए बहुत मददगार हुई. अब उसके बाद जो अगला अचीवमेंट था वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, रफाल डील. कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उसके पास आज स्क्वाड्रन डिप्लीट होकर 31 तक पहुंच गए हैं, जबकि स्क्वाड्रन की नीड हमारे यहाँ 42 है. तो 36 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल लेकर आए गए हिंदुस्तान में, जिनकी डील मतलब क्लोज की गई, आने बाकी है अभी, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं जो डिप्लीटिंग इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन है वो बढ़ जाएगी अभी. अगले 4 अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो एक नए सेक्टर के फॉर्म में उभर है, वो है मैन्युफैक्चरिंग. अब देखिए, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो 2 सेक्टर पे डिपेंड करती थी, वो थी एग्रीकल्चर एंड सर्विस. बट ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उभर के आया बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स. वो क्या क्या है जरा बात करते हैं. देखिए, आज की तारीख में भारतमाला के अंडर सड़कें जो पहले 7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रही थी, आज वो 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रही है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 142 से 77 आ गई है. इंडिया एक top 2 इमर्जिंग मार्केट बन गया है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और डिजिटल इंडिया कैंपेन में हम top 5 इंटेक कंट्री बनते हैं. अब जरा इन्हें तोड़ के देखते हैं मेरा क्या मतलब है. जरा मैं स्क्रीन साफ करता हूं. अब देखिए, भारतमाला क्यों है जरूरी सड़क बनना. एक प्रोमिनेंट लीडर के बारे में बात करते हैं, USA के, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है. उन्होंने कहा था, US doesn't have good roads because it's rich, but because it has good roads. उनका ये कहना है, अगर मैं आम शब्दों में कहूं, कि USA रिच है
इसलिए उसके पास रोड नहीं है, क्योंकि उसके पास अच्छी रोड है इसलिए वो आज रिच है। यही बात है भारत माला की। देखिए अगर हम बात करें किसी भी चीज में या किसी भी बिजनेस में, आपको कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको आपके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उठाकर मार्केट में लेकर आना पड़ेगा, जिसकी में आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। पर आप सोच के देखिए, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छे नहीं है, मतलब सड़कें ही अच्छी नहीं है, टूटी फूटी हैं, तो एक तो उन्हें पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा, दूसरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, मतलब जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ज्यादा लगेगी, पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च होगा टूटी फूटी सड़कों पर चलने में। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यही भारत माला हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ होती है? देश के कोने में। और एग्रीकल्चर कहाँ होता है? वो भी शहर के बाहर होता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस जो गुड्स होंगी, क्रॉप्स होंगी, उनको शहर में लाने में आसानी होगी। तो ये दो चीजों को बहुत ज्यादा बूस्ट करा। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। पहले हमारी रैंक थी 142, फिर हो गई 100, अब हो गई ये 77। हमारी करंट गवर्नमेंट का टारगेट है 50 होनी चाहिए, अंडर 50 में हम होने चाहिए। पर ऐसा क्यों? देखिए अगर आपकी कोई रिजिड पॉलिसी है बिजनेस को लेके, तो बिजनेस वाले यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना पसंद करेंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी किसी भी देश की। पर अगर कहीं ना कहीं बिजनेस ईजी होता है तो प्योन से लेके इंजीनियर, इंजीनियर से लेके सीईओ तक के लिए सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा काम करेंगी। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंडिया के पास टॉप 2 इमर्जिंग मार्केट एफडीआई में बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि हमारी रैंक बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, अच्छी हो गई है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक आइका, एप्पल, हुआवे इंडिया में आज इन्वेस्ट करने को तैयार है, वरना पहले ये कंपनी रिजिड पॉलिसी से बहुत दूर रहती थी। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में। देखिए देखिए आज आप नोटिस करेंगे कि चाहे किराना की दुकान हो, चाहे कॉलेज की फीस देनी हो, या लैंड बाय करनी हो, चाहे मोटरसाइकिल बाय करनी हो या कार बाय करनी हो, आज आप सब चीजों का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। और इसी की वजह से इंडिया आज टॉप 5 फिनटेक कंट्रीज में है बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। आप पेटीएम, पेपैल, UPI और फोन पे जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे गवर्नमेंट के टॉप 10 अचीवमेंट। अब जरा बात करते हैं इसके दूसरे फेज पे। दूसरा फेज क्या है? मोदी गवर्नमेंट फेल क्यों हुआ या कहां फेल हुआ? आप जब इस आंसर का जवाब दें तो ये मत बोलिए सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल ओवर हियर। नो सर, ये कहिए कि हाँ ग्रोथ हुई है, पर कुछ चीजों में जहां पर उन्होंने स्टार्ट इनिशिएटिव लिया था उसमें उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। जैसे सर स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो ये बात सच है कि आज हमारे यहाँ जगह जगह डस्टबिन भले ही नहीं लगे, पर जो पब्लिक प्लेस है जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पब्लिक अदर पब्लिक प्लेसेस, वो काफी ज्यादा क्लीन हो गई है। दूसरा सर गंगा क्लीन अप मिशन, जिसमें अभी तक गंगा क्लीन नहीं हुई है पर अभी जस्ट गंगा टास्क फोर्स बनी है, तो ये एक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर और जरूरी है। आज हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं जैसे हाइपर लूप, बट अभी रेलवे मॉडर्नाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आज भी लोगों के लिए बेसिक जो जरूरत है वो है लोकल ट्रेनें, एंड वो आज भी बहुत क्राउडेड रहती हैं। तो अगर हम बात करें फार्मर इनकम की, तो फार्मर इनकम में हमें बजाय लोन वेवियर के उनकी इनकम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर। एंड लास्ट सर डिमोनेटाइजेशन। सर डिमोनेटाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा बोल्ड मूव था, जिससे उम्मीद थी कि ब्लैक इकोनॉमी बहुत जल्दी कर्व हो जाएगी, बट मेरे हिसाब से ये जरूरी था कि उसको मोर प्लान्ड मैनर में करते, जिससे एक ही रात में ये ब्लैक इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम था इंडिया से काफी हद तक दूर हो जाता। ये है वीडियो का एंड। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, मैं चाहूंगा कि आप, आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए, एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरफ की हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो @Varshney या #messagetowarshney आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज़्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इन्वाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।